2020 के करंट अफेयर पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आई थिंक 26 तक हो गया था कवर स्क्वायर तक, 27 करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम थोड़ी ना है। एनीवे, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। भाई कोई तो कोई करेगा ना एनपीएस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। दूसरा, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग ऑफ एनपीएस अकाउंट। भाई ये नहीं मुझे पता। भाई एनपीएस अकाउंट वो खोलेगा ना जो जो जॉब कर रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू जॉब या कोई भी इंडिविजुअल। एनआरआई से समझ में आ गया, ओसीआई भी समझ में आ गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसा तो ही नहीं यार कोई भी खोल लेगा। और दूसरा फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है। पहला सही लग रहा है, दूसरा गड़बड़ लग रहा है, यानी कि ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, अब देखते हैं। 27 का डी, 27 का डी, 27 का डी। डी का मतलब नीदर वन नॉट टू, कोई भी सही नहीं है। यानी कि जो एनपीएस है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं रन कर रही है, तो फिर कौन रन कर रहा है ये तो फिर देखना पड़ेगा। नेशनल पेंशन स्कीम अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं रन कर रही, फिर कौन रन कर रहा है? एनपीएस इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम 2004 2009 ऑल सेक्शन, ये तो लिखा ही नहीं, कौन रन कर रहा है? नेशनल पेंशन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री? नेशनल पेंशन सिस्टम, अरे यार सच में सिस्टम है, मैं तो स्कीम बोल रहा था। नेशनल पेंशन सिस्टम इज ए वॉलेंट्री डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन इन इंडिया। पीपीएफ एंड ईपीएफ इज ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, नहीं है, पीएफआरडीए। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडी। अच्छा पीएफआरडीए, एक पीएफआरडीए एक बनाया गया सिस्टम, वो रन करती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ट्रस्ट है, इंडिया ट्रस्ट एक्ट के तहत जी रन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक अलग से ट्रस्ट बना दिया। सही बोल रहे थे, ये दोनों गलत हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं चलाती, पीएफआरडीए चलाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएफआरडीए। अच्छा, इट्स ए स्टेटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट। मैंने देखा कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड बॉडी तो है। इट रेगुलेट एनपीएस एंड अदर पेंशन स्कीम। दोनों सही लग रहे हैं। 28 का बी, 28 का बी टू ऑनली। इट्स रेगुलेट एनपीएस एंड अदर स्कीम, ये स्टेटरी बॉडी नहीं है। पीएफआरडीए कोई कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। ये एक अभी तो किया था मैंने कि पीएफआरडीए कंपनी नहीं है, फिर से देखता हूँ। पीएफआरडीए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएफआरडीए वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू ए रेजोल्यूशन। अच्छा रेजोल्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं, कोई स्टेटरी बेसिस नहीं, सिर्फ रेजोल्यूशन। ऑल सिटीजंस के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसका कोई स्टेटरी बेसिस नहीं है। पेंशन को पीएफआरडीए देती है। अब ऑन 19 सितंबर 2013 गेव इज असेंट टू पीएफआरडीए बिल है तो 2013 का, नहीं बिल तो है, एक्ट भी बन चुका है। है तो एक्ट यार, बिल आई डोंट नो,
बट ये कंपनीज एक्ट नहीं है, इसका अपना खुद का एक बिल है। तो टू ओनली। नेक्स्ट, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 46, 46 फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है। मार्शल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 है, मार्शल लॉ हो सकता है। अभी मैं कंफर्म करना चाहूंगा आर्टिकल 46, मेरे पास इसके लिए जवाब है GS2। आर्टिकल 46 पे भी कभी क्लियर हो जाएगा। सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल मैंने एक जगह कंपाइल कर रखे हैं, आर्टिकल 46 भी होगा इसमें। आर्टिकल 46 इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST इन वीकर सेक्शन। 46 SC ST और वीकर सेक्शन के लिए, 46 जो है SC ST वीकर के लिए है। वीक सेक्शन का वेलफेयर कोई खराब बात तो नहीं है, अच्छी बात है। तो नन ऑफ द अबव, 29 का होना चाहिए डी। सही है। सकेतकर कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, 30th का ए होना चाहिए 100%, 30th का ए। सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट GDP एंड GVA। GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज सम ऑफ कंट्रीज GDP एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी। GDP जो प्रोडक्शन हुआ उसमें सब्सिडीज भी जोड़ दो, टैक्स भी जोड़ दो, GVA वो हो गया। GDP स्टेट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, सप्लाई साइड। GVA गिव्स द पिक्चर फ्रॉम कंज्यूमर साइड, डिमांड परसेप्टिव। कंज्यूमर साइड में सब्सिडीज और टैक्स भी आ जाएंगे। सही लग रहा है, दोनों सही लग रहे हैं। तो 31 का ए, हाँ दोनों सही हैं। GVA जो है वो GDP सब्सिडीज और टैक्स का नेट है, GDP प्रोड्यूसर साइड से है, GVA कंज्यूमर साइड से है। महादाई एंड महादेवी, महादाई मांडवी गोवा। महावीर नेशनल पार्क का लोकेटेड इन विच स्टेट, गोवा होगा यार, महादाई मांडवी को बोलते हैं 100% गोवा। बी 32 का बी, 32 का बी सही निकला। ये महावीर नेशनल पार्क देख लेते हैं क्योंकि मुझे महावीर नेशनल पार्क के बारे में नहीं पता। महावीर नेशनल पार्क, महावीर भगवान, महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भगवान महावीर सेंचुरी इन मोलेम नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया इन वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया इन गोवा स्टेट, द ईस्टर्न बॉर्डर विद कर्नाटका। गोवा के पास 60 किलोमीटर पे मोलेम विलेज है, वहां पे है। सेवरे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं गोवा के कदम्बास के बनाए हुए, और दूध सागर वाटरफॉल यहीं पे है, दूध सागर वाटरफॉल गोवा पे है। और नोमेडिक बुफेलो हर्डर धांगर यहाँ पे रहते हैं। अब तो नोमेडिक कहाँ रह गए, अब तो सब रिजर्वेशन पाके आई गेस आई पी एस बन गए होंगे। दूध सागर वाटरफॉल्स, ये मुझे गोवा में डालना पड़ेगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन स्टेट्स, गोवा, गोवा 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 का तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, अच्छा है नहीं बनाया। गोवा,
गोवा। महावीर सेंचुरी, मेलम नेशनल पार्क, गोवा। साफ हो गया। महावीर सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क। सेवरा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, कदम्बा, गोवा, दूध सागर, वाटरफॉल्स, भांगड़ कम्युनिटी, दूध सागर फॉल्स। मैं समझता था दूध सागर वाटरफॉल कर्नाटका में, बट दूध सागर वाटरफॉल गोवा में निकला है। मोर आगे बढ़े क्या? और कुछ देखने लायक? थ्रेट्स, आयरन ओर, गोवा में आयरन ओर की माइनिंग होती है। सीसा गोवा। रूपा, अशोक, हुर्रा केस इन 2002 लेड टू रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल इमेलिंग? रूपा, अशोक, हुर्रा। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिटेंशन बाय स्टेट, क्यूरेटिव रिव्यू, नन ऑफ द अबव। मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं पता। रूपा, अशोक, हुर्रा केस कहाँ कहाँ से ले आते हैं भाई? मैंने केस रूपा, अशोक, हुर्रा केस। क्यूरेटिव पिटीशन। कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वाज फर्स्ट इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रूपा, अशोक, हुर्रा केस। क्यूरेटिव पिटीशन। कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वाज इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ रूपा, अशोक, हुर्रा केस। The question was an aggrieved person is entitled to any relief against the final judgment of Supreme Court after dismissal of review petition. Supreme Court in the said case has that in order to prevent abuses of the process and to cure gross miscarriage of justice, it may reconsider its judgment. For this purpose, the court had devised what is termed curative petition, specifically that the grounds mentioned therein had been taken in the review petition filed ere the tribunal dismissed by circulation. This has to be certified by senior advocate कि भाई ये प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि रूपा अशोक वोरा केस क्यूरेटिव पिटीशन से है। 33 का सी, 33 का सी अब तो होगा ही सही वैसे। 33 का सी। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ ग्रीन क्रेडिट स्कीम? इट अलाउज फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज ए कमोडिटी। इट अलाउज फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज ए कमोडिटी। हाँ सही, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। इट अलाउज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू एनजीओ। ये भी बिल्कुल सही है। 34 का सी होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2। ग्रीन क्रेडिट स्कीम 34 का सी, ये इसलिए ताकि फॉरेस्ट को लैंड को डाइवर्ट कर सकें किसी कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, माइनिंग वाइनिंग पर्पज के लिए। बदले में उतनी लैंड कोई एनजीओ जो है बना दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी का, और वो फॉरेस्ट बना के दे देगा डाइवर्ट करने के लिए। माधवपुर मेला है गुजरात। 35 का सी, ये तो मुझे अच्छे से याद है, माधवपुर मेला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर मुझे याद है 1972-73 का है। 9 टाइगर रिजर्व, टाइगर को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन टाइगर में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन टाइगर रिजर्व। पहले को छोड़ के सही लग रहे हैं सारे। 2 एंड 3 वाला तो कोई है ही नहीं है, बी है, बी लग रहा है मुझे। 36 का बी निकला, 36 का डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 सारे सही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। अब ये देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब का, मैं 1972 समझता था क्योंकि
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में आया था, मेरे दिमाग में ही बैठा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर जबकि 1973 का है। ये सही बोल रहे थे, मैं गलत था। मैं वापस आता हूँ, ईवीएस पे आता हूँ, क्योंकि ईवीएस पे मैंने ऐसा बना रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर, ईवीएस, 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 यूपीपीसीएस, एनवायरनमेंट, ये रहा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। अच्छा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 की है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, प्रोजेक्ट टाइगर लेकिन बहुत पुराना है, एनटीसीए जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, और एनटीसीए बना जाके 2005 में है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था, इंदिरा गांधी के टेन्योर पे। इंदिरा गांधी जो है अच्छी थी कुछ मामलों में, इंदिरा गांधी जी। कैलाश संकाला वाज द फर्स्ट वायबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स, पोचिंग बंगाल टाइगर्स, शिवालिक, सुंदरबन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सरिस्का, काजीरंगा, कोर एरिया, बफर एरिया, टाइगर के पग मार्क्स की काउंटिंग, पोचिंग को रोकना, सरिस्का और नमदा भाव में काफ़ी ज़्यादा थी प्रॉब्लम। तो सही, अच्छा काम किया। आते हैं वापस प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तीनों स्टेटमेंट सही है। सेके लैंग्वेज ऑफन सीन इन द रूजी प्रेडोमिनेंटली ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल कंट्रीज। सेके भूटान, नेपाल, श्रीलंका। सेके नेपाल की लैंग्वेज है। 36, 37 का सी, 37 का सी, 37 का सी, बिल्कुल सही है। सेके नेपाल की लैंग्वेज है और एक्सटिंक्ट होने वाली ही है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पता नहीं, देख लेते हैं। नेपाल से की लैंग्वेज नियर टू स्टेक, 700 लोग बचे हैं नेपाल में, से के बोलते हैं। वाई से के इज गेटिंग एक्सटिंक्ट, देखना पड़ेगा फिर। और आते हैं, सेके एक्सटिंक्ट हो रही, इतनी नेपाल को प्रॉब्लम नहीं होगी जितना यहाँ पे इंडिया में आईएएस की तैयारी करने वालों को प्रॉब्लम है। और कई वेबसाइट में ना मिले, दे आईएएस में मिल गए। दो जल एक ऑलमोस्ट ऑल द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, मोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ सेके लैंग्वेज इन न्यूयॉर्क, स्टेन, ब्रुकलिन। इंडिया साइबर क्राइम, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। साइबर क्राइम का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं पता। 38 का डी, नन ऑफ द अबव, तो भाई बताओ ना किधर है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज लोकेटेड इन, अरे यार बताओ, नहीं पता चल रहा यार। अमित शाह इनॉग्रेट नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर, इनॉग्रेट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर
नेशनल सेंटर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली इसमें ऑप्शन मैंने कहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइनीज पैडल फिश। चाइनीज पैडल फिश फ्रेश वाटर फिश, यांगजी रिवर वैली, येलो रिवर वैली, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ IUCN। दोनों सही लग रहे हैं मुझे। तो चाइनीज कुछ नहीं रहने देंगे दुनिया में, सब खा जाएंगे। 39 का ए, वन ओनली, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं है चाइनीज पैडल फिश। तो किसमें चाइनीज पैडल फिश? चाइनीज पैडल फिश अरे ये तो काफी बड़ी होती है। लास्ट चाइनीज पैडल फिश वाज सीन अलाइव इन 2003। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इंस्टिंक्ट। चाइनीज पैडल फिश वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश हैज गोन इंस्टिंक्ट। यांगजे रिवर पे मिलती थी, 23 फीट की लंबी होती थी, इंस्टिंक्ट ही हो गई। ओहो, गुड बाय। क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं है, इंस्टिंक्ट इसलिए पहला है। 40th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रेटेड स्टील हब दैट इज बीइंग प्लान्ड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड स्टील हब, इट इज एम्स टू, ये तीन चार स्टेट में है स्टील के हब, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इन्वेस्टमेंट लाना स्टील में और पूर्वोदय इनिशिएटिव, सही लग रहा है, दोनों सही लग रहे हैं। 40 का, 40th का सी, बोथ वन एंड टू सही है। पूर्वोदय इनिशिएटिव फोकस डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरोना वायरस। न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज ऑफ वायरस, रेस्पिरेटरी डिजीज, दे आर नोन टू इन्फेक्ट ओनली ह्यूमंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन तो नहीं है, वन ओनली। 40th का सी, बोथ वन एंड टू। 41 का देखो यार, 41 का ए, नहीं सिर्फ वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। इस टाइप के इंडेक्स इंडेक्स कंपेयर करने के लिए नीति आयोग बनाता है, और ये एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, दोनों सही लग रहे हैं मुझको। ये 42 का बी, टू ओनली, नीति आयोग नहीं बनाता है, तो कौन बनाता है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स? अगर नीति आयोग नहीं बनाता तो कौन बनाता है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स? दुनिया भर का हर इंडेक्स, आईएएस की तैयारी वालों को पता होना चाहिए। इंडेक्स वाज रिलीज आरपीएम प्रवासी भारतीय केंद्र न्यू दिल्ली। किसने बनाया? यूनियन पावर मिनिस्टर, पावर मिनिस्ट्री करती है लगता है। सी गार्जियन इज ए बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज। सी गार्जियन चाइना और पाकिस्तान लग रहा है मुझे। 43 का सी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, सी गार्जियन चाइना और पाकिस्तान के बीच में है। जलीकट्टू तमिलनाडु, उसको नहीं पता है, जलीकट्टू मार देते हैं बेचारे बिल को। 44वें का बी, 44वें का बी, भाई इसको बैन कर देना चाहिए जलीकट्टू को। अब भाई ऐसे तो बहुत सारे मंदिरों में रिचुअल्स के नाम पे एनिमल सेक्रीफाइस है यूपी बिहार के, बट बैन किया गया ना, जब उनको बैन कर दिया गया तो जलीकट्टू जिसमें बाद में बुल को मार देते हैं उसको क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? उसमें बड़ी तमिल आइडेंटिटी आ जा रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमित कौर। सी को फाउंडेड द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927, ये सही लग रहा है। ही वॉज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एलिमेंट, ये भी सही लग रहा है। तो 45 का सी होना चाहिए, 45 का सी। 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H9N2, सब टाइप ऑफ फ्लू वायरस है। H9N2 एज बिन ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम इन पॉलिटी इन इंडिया, सही लग रहा है दोनों। 46 का ही, दोनों नहीं सिर्फ वन सही है, फर्स्ट टाइम नहीं पहले भी आ चुका है। H9N2 जान लेते हैं यार, तो फंस जाएंगे। H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप, H9N2 बर्ड फ्लू है, हांगकांग में आया था 2009 में। चिकन टू ह्यूमन, चलो। यूएलए प्रोक्लेमेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जेंडर सिक्योरिटी, टेररिज्म, फूड सिक्योरिटी, लैंग्वेज प्रोटेक्शन। आई थिंक लैंग्वेज प्रोटेक्शन है। 47 यूएलए प्रोटेक्शन लैंग्वेज है, 47 का डी। हाँ यूएलए प्रोक्लेमेशन लैंग्वेज के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन,
आर्टिकल 15 इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्लॉयटेशन कल्चर एंड एजुकेशन राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए। 48 का डी, 48 का डी। विच वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज रिस्ट्रेंड कॉम्पिटिशन आइडियोलॉजी। प्रिविलेज नहीं होते वहां पे, 49 का ये। अगर इक्वल है सोसाइटी तो वहां पे लोगों को प्रिविलेज नहीं मिलते, बट क्या इंडियन सोसाइटी में लोगों को प्रिविलेज नहीं मिलते? पॉलिटिशियंस के बैठे 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 पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कौन नहीं बनता? राजनाथ सिंह का बेटा बैठे बैठे एमएलए एमपी पता नहीं क्या बन गया, या मुलायम सिंह यादव के बेटे, ये कौन नहीं है ऐसा। और सेम चीज अब तक डॉक्टर्स भी करते रहे हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा के अब जरूर हट रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वाज हेल्ड एज जगत गुरु बाई हिज मुस्लिम सचिव बिकॉज ऑफ हिज बिलीव इन सेकुलरिज्म? जगत गुरु हुसैन शाह, जैनुल अबेदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद। यार ये तो मुझे नहीं पता, हिस्ट्री वीक है मेरी। 50 का सी, इब्राहिम आदिल शाह, जगत गुरु, जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह पता करना पड़ेगा। इब्राहिम आदिल शाह वाज किंग ऑफ सल्तनत ऑफ बीजापुर, आदिल शाही डायनेस्टी, मैसूर, सुन्नी, टॉलरेंट था और सिया के अगेंस्ट था। इंक्रीजिंग वीकनेस, शिवाजी ने बीजापुर के जनरल अफजल खान को मार दिया था, ये बीजापुर के सुल्तान थे, इन्हीं का जनरल था अफजल खान, इब्राहिम आदिल शाह का। इब्राहिम आदिल शाह, चांद बीबी चैलेंज हुए इंडिपेंडेंस से तारा फोर्ट, इब्राहिम आदिल शाह सरीन, तानपुरा बजाते रहते थे। कभी तक ये नहीं समझ में आया कि इनको क्यों बोला गया। जगत गुरु बादशाह, यूज्ड टू बी इन कल्चरल हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, सरस्वती गणपति की पूजा करते थे, अच्छी बात है। तो ठीक है भाई, इब्राहिम आदिल शाह थे जगत गुरु। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई, चलो 50 हो गए, नेक्स्ट करते हैं अगले सीरीज में।